अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे और खैर आफियत से हैं। मैं यहाँ सुबह की आगाज़ हमारी हो चुकी है और मैं यहाँ पे अभी सहरी की तैयारी कर रही हूँ। ये फजर का वक्त है, करीब 4 बज रहे थे, सब लोग सो रहे हैं और मैं किचन में आके अपनी सहरी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे रोटी थी, मेरी रोटी रात की बची हुई थी, तो फिर मैंने उस पर अंडे फ्राई करके इस तरह से रोल हमने बना लिया और इस पर थोड़ा सा टमाटो केचप लगा लिया था, तो बड़े ही मज़े की रोल बन गई थी हमारी और गर्मा गर्म। इससे ही हमारी सहरी हमने कर लिया था और सहरी करने के बाद ये देखे यहाँ पे मम्मी मेरे लिए मैगी बनाई है। अब मैं मैगी खाने वाला हूँ। देखिए कितना यम्मी और लाजवाब लग रहा है। वैसे मेरे से उठ नहीं रहा है, अभी उठाते हैं। चलिए जी, फिर मैं यहाँ किचन में आ जाती हूँ और यहाँ पर गुड़ हमने ले लिया था, इसे खजूर गुड़ था, इसे अच्छे से हमने चूर कर लिया था और इसे पानी आधे गिलास से भी कम हमने लेकर इसे मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी अच्छे से ये पिघलने के लिए। यहाँ पे हमारी चाशनी बन जाएगी, उसके बाद फिर इसी चाशनी से मैं आटे गूँदूँगी। और यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिया था, तो यहाँ पर मैं मंगवाई थी अभी, तो वो मैं निकाल रही हूँ सब। यहाँ पर काजू, बादाम और चिरौली ले लिया था और सूखा नारियल ले लिया था हमने गड़ी। तो इसे मैं अच्छे से इसे कट करना है, ये कट कर लिया हमने। और यहाँ पर काजू बादाम अलग अलग से कट करके रखा है और यहाँ पे नारियल को भी हमने पीस लिया था छोटे छोटे कट करके। और यहाँ कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी थी, तो उस पर हमने ये काजू किशमिश बादाम जो चिरौली थे ये सब हमने अच्छे से इसे भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। और रोस्ट कर ये देखिए मैं रोस्ट कर रही हूँ, बस इसे इतना से इतना ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है। और ब्राउन करने के बाद मैं इसे निकाल लिया हमने और यहाँ पे इलायची कुछ लिया था हमने और इसे पीस कर पाउडर बना लिया है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो हमने एक प्लेट में अलग से निकाल लिया था। और यहाँ पर खोपरा जो नारियल का था उसको हमने कट करके इस तरह से पाउडर बना लिया और इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी मैं। इसे रोस्ट करने के बाद मैंने और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हमने अच्छे से पीस लेना है। और यहाँ पे एक कप मैंने मैदा ले लिया था, एक कप सूजी ले लिया था और एक कप मैं मैदा बेसन ले लूँगी। यहाँ पे बेसन में अच्छे से उसकी रोस्ट कर रही हूँ, ये अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे मैदा भी हमने ले लिया था, बस अभी जितने भी सारे मैदा, सूजी और बेसन इन सबको रोस्ट करना है मुझे, उसके बाद मैं आटा में मिक्स करूँगी। ये यहाँ पर बेसन अच्छे से रोस्ट हो चुका है, बस इसे हल्के हल्के रोस्ट करना है आपको। और यहाँ पे देखो हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बर्तन में। ये देखिए बस ज़्यादा आपको रोस्ट नहीं करना, बस हल्का हल्का करना। और फिर हमने सूजी भी इस कढ़ाई में डाल लिया था, फिर सूजी को हल्का सा रोस्ट कर लेना है हमें। देखिए सूजी को भी ज़्यादा नहीं भुनना आपको, बस हल्का हल्का सा भुनना है, जब इसकी जो नमी होती है ना वो निकल जाए। ये देखिए हमारी ये हमने ले लिया था, ये तिल और खसखस हमने ले लिया था, अब इसे हमने अच्छे से रोस्ट करना है। बस हल्के आँच में मैं बस सबको मैं अच्छे से भून रही थी हल्का ब्राउन होने तक का। और यहाँ पे जो हमने चाशनी बना के रखी थी गुड़ की, उसे हमने छान लूँगी ताकि उसके नीचे जो गंदगी होती है ना, वो बालू वगैरह वो सब एक चलने में आ गई थी। ये देखिए कितना बिल्कुल फ्रेश चाशनी हमारी बन के तैयार है। और यहाँ पर एक कप हमने आटा ले लिया था, अब आटे में मैं ये बेसन ले रही हूँ जो हमने रोस्ट करके रखा था, मैदा भी हमने ले लिया और यहाँ पे सूजी भी हमने ले लिया है, ये सब हमें ऐड कर लेना। और यहाँ पे जो नारियल हमने रोस्ट करके रखा था वो ले ली हूँ और कुछ ड्राई फ्रूट्स, यहाँ इलायची जो मैं पीस कर रखी थी पाउडर वो ऐड कर लूँगी और यहाँ पे सोडा ऐड कर रही हूँ मैं, बेकिंग सोडा है एक छोटे चम्मच हमने लिया था। और यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किया था उसे पीस कर इस तरह से हमने पाउडर बना लिया और उसे ऐड कर लिया था। और यहाँ पर तिल और खसखस को भी ऐड कर लूँगी, करीब 2 चम्मच हमने ले लिया था, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल सोंधी सोंधी सी। और यहाँ पे 3 चम्मच के लगभग मैं घी ऐड करूँगी, उसके बाद मुझे इसे अच्छे से मिक्स करना। और यहाँ पर थोड़ी सी हमने किशमिश कट करके ऐड कर लिया था, बस इसे इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मलना है जैसे सब अच्छे से मिक्स हो जाए, घी जो हमने ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी पाउडर थे, बस इस तरह से मैं हल्के हाथों से इसे मलती गई। और आप इसे जितना मलोगे ये उतना अच्छा होता है, तो बस इसी तरह से मैं हल्के हल्के हाथों से मलती गई
और अगर आपको इस तरह से आटा छानना है तो फिर आप इसे दूध भी ऐड कर सकते हो। दूध के साथ अगर आप आटा छानते हो तो फिर आपको ज़्यादा दिन आप नहीं रख सकते स्टोर करके, क्योंकि 15 से 20 दिन काफ़ी है, वरना फिर ख़राब हो जाता है। और अगर पानी के साथ आप आटा गूंदोगे तो फिर आप महीनों भर, 2 महीने तक का 3 महीने तक का भी अच्छे से आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। बस इसी तरह से हमारी आटे अच्छे से मैंने हाथ से मल लिया था उसे। अब मैं बस ये देखिए इस तरह से अगर मुट्ठी बंधाने लग जाए तो समझ जाइए कि आपको और तेल की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से मुट्ठी ना बंधाए तो आप इस पर तेल ऐड कर सकते हो, घी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमने गुड़ का चाशनी बनाई थी उससे मैं आटा छानूंगी। तो बस ये देखिए मैं आटा छान रही हूँ, बस थोड़ी थोड़ी लेकर आपको छानना है, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है वरना फिर आटा गीला हो सकता है। ये देखिए बस इसी तरह से मैं आस्ते आस्ते सब अच्छे से छानती जाऊंगी और चाशनी लगती जाएगी, थोड़ी थोड़ी मैं डालती जाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे आटा हमारे अच्छे से छान चुकी हूँ मैं, अच्छे से गूंद लिया हमने। अब इसे मैं ढककर रख दूँगी, कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। आप चाहो तो आधी घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो, है ना। तो इस पर मैं अच्छे से गूंद चुकी हूँ, अब मैं इसे ढककर कवर करके रख दूँगी ताकि इसकी जो सूजी वगैरह जो हमने ऐड किया ना वो अच्छे से इस पर अब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से नरम हो जाए आटा, है ना। चलिए फिर के बाद यहाँ पे जितने भी सारे बर्तन निकले थे मैंने उसे वाश कर लिए। और फिर ये देखिए 1.5 घंटे के बाद मैंने इसे खोलकर देखा, यहाँ पे आटा बिल्कुल सख्त हो चुका था, कड़क थी। तो फिर हमने इस पर थोड़ी सी चाशनी डाल डाल के फिर अच्छे से हमें गूंदना है इसे। बस इस तरह से चाशनी लेकर मैं अच्छे से गूंदती जाऊँगी। आप चाहो तो दूध के साथ भी कर सकते हो, पानी के साथ। अगर आपको 10 दिन तक का या 15 दिन रखना है तो फिर आप दूध के साथ छान लेना, नहीं तो फिर पानी के साथ, जैसा आपकी इच्छा हो। ये देखिए हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब यहाँ पे मैं गैस ऑन कर रही हूँ। बस इस तरह से छोटे छोटे गोले मुझे बनाने हैं। ये देखिए मैं अपने हाथों से, हल्के हल्के हाथों से ही करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खांसता था, बिल्कुल नरम सा था तो डर लग रहा था। बस आस्ते आस्ते ही मैं यूँ कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता बस आपको करते जाना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट साइज में बनाऊंगी, छोटे छोटे आकार में। बस इस प्लेट पे मैं थोड़े से ऑयल लगाऊंगी ताकि इस पर चिपके नहीं, आसानी से जब मैं उठाऊं तो ये अपने हाथों में आ जाए, तो इसलिए मैंने इस पर ऑयल लगा लिया है। और इस पर बना बना कर मैं स्टोर करके रख लूँगी। ये सिर्फ मुहर्रम में ही ये नहीं बनते हैं, आप इसे चाहो तो स्टोर करके रख सकते हो, मेहमान आए तो उनको भी दो, कहीं अगर जा रहे हम ट्रैवल के लिए तो लेकर जाए, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है ये खांसता बिल्कुल। अगर ये पता है ये बेकरी में, अगर आपके पास ओवन है तो फिर ओवन में भी बना सकते हो, बट हमारे पास ओवन नहीं थी तो मैं तावा कुकीज़ बना रही हूँ, इसे आप कुकीज़ भी बोल सकते हो, बट इसे मुहर्रम में बनाते हैं इसलिए हमने इसे मुहर्रम के रोड बोलते हैं, है ना। तो आप इस तरह से बना सकते हो, सिर्फ मुहर्रम के लिए ये नहीं है। ये देखिए कितने मज़े की हमारी रोड बन के तैयार है। बस हमने इसे तावे में बना रही हूँ, अगर आप चाहो तो ओवन, अगर आपके पास है तो ओवन में बना सकते हो, ओवन में और भी अच्छे बनते हैं। ये सब हमने अपनी अम्मी से सीखा है, हमारी अम्मी हमेशा मैदे और आटे की बनाया करती हैं और मैंने बस रवा और बेसन ऐड किया है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं इसे ओवन में बनाते हैं, और ओवन जिसके पास नहीं है तो फिर वो क्या करते हैं बेकरी में ले जाके दे देते हैं पूरी मतलब आटा गूंद कर तैयार कर कर, तो वो वहाँ पे ओवन में अच्छे से सेक कर अपने को वापस दे देते हैं, तो वो बहुत ही मज़े की हो जाती है। और ये अगर इस तरह से भी आप बनाओ तो ये भी बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही खांसता बहुत ही टेस्टी होती है। और जिस तरह से हमने सारे आटे को रोस्ट कर करके बनाई हो ना, तो इससे और भी ज़्यादा सौंधी और खुशबू इसमें से इतनी अच्छी आ रही थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। हमने गैस बंद करके भी इसे सेका है ताकि तवा जो अच्छे हीट हो गए थे, गर्म हो गए थे, उस गर्म में ये अच्छे अंदर तक सेका जाए, इसलिए। ये देखिए ये हमारी बन के सारी
रोट तैयार है, बहुत ही मज़े की बन गई है। वाओ, मतलब खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी था ये, मतलब डर लग रहा था इसे उठाने में, इतना ज़्यादा खांसता था ये। अगर जिस हाथों हाथ आप तोड़ोगे ना तो ये टूट जाएगी, तो आप इसे ठंडे होने के बाद इसे खाओगे तो इसे और भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्रंची मतलब थोड़ा सा रहेगा और थोड़ा सख्त हो जाता है। और यहाँ पर जितने भी मेरे बर्तन निकले थे वो मैंने फिर ये सारे काम किचन का करने के बाद सारे बर्तन हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब चलो चलती हूँ, देखती हूँ हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जैशु को मैंने हॉल रूम में छोड़ा था, तो देखती हूँ क्या कर क्या रही है मेरी शोनिशी बेटी। ये देखिए वो चुप से वहाँ पे बैठी है, और जैसे मैं गई हूँ ना तो वो मुझे देखने लगी और हंस रही थी, इतना खुश हो रही है वो कि मम्मा आ गई है, वरना बार बार मुझे आवाज़ लगा रही थी वहाँ से कि जल्दी अब आ जाओ मुझे उतारो यहाँ से। ये देखो माशाल्लाह मेरे बच्चे इतनी देर तक वो खेला था, और जितने कपड़े थे ना मैंने घर पे ही डाल दिया था इस तरह से रस्सी बांध कर हमने, ताकि सारे अच्छे से सूख जाए, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं था। मौसम ऐसी हो रही थी ना कि बारिश कभी हो रही है कभी धूप हो रही है, तो इसलिए हमने सारे कपड़े घर पे ही डाल दिए थे, तो वो अच्छे से सूख गए थे क्योंकि हमने मशीन में अच्छे से स्पिन कर दिया था ना, तो इसलिए पूरे ड्राई हो गए थे कपड़े, सिर्फ हवा लगनी थी, तो फिर ये इस तरह से सारे कपड़े हमने डाल दिए थे। और यहाँ पे फिर हमारी रोज़ा खोलने की टाइम हो रहा था, तो फिर मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हमने ले लिए थे, वो मैं कट कर रही हूँ, और ये मेरे फ्रेंड्स के घर से हलीम आए थे तो मैं इसे अच्छे से पका रही हूँ। इतना सब कुछ था तो फिर अलग से मैंने और कुछ भी नहीं किया, बस मैंने यहाँ पर सोचा कि थोड़ी फ्रूट्स कट कर लेती हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही थी रोज़ा रखी थी, तो फिर यहाँ पर मैंने एक पपाया निकाल लिया था तो इसे मैंने कट कर लिया, और यहाँ पे सारे मेरे जितने फ्रूट्स थे मेरे कट कर लिया है मैंने। बस अब मैं इस तरह से तैयारियाँ मेरी चल रही थी, और किचन के काम भी सारे माशाल्लाह सब फिनिश हो चुके थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे थोड़े से मैंने सोचा कि चलो शरबत भी बना लेती हूँ, क्योंकि जब रोज़ा खोलते हैं ना तो सबसे पहले पानी याद आती है कि सबसे पहले मैं पानी पी लूँ और शरबत पी लूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चल आज मैं शरबत भी बना लेती हूँ। ऑरेंज फ्लेवर था तो और भी अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने यहाँ फटाफट शरबत भी बना लिया हमने। बस इसी तरह से हमारी तैयारियाँ सारी हो चुकी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस तरह से फिर मैंने जितने भी डब्बे वगैरह जो भी था वहाँ पे क्लीन मैंने कर लिया था, सब अपने अपने जगह पे हमने रख लिया था। और यहाँ पर मैं हलीम निकाल रही हूँ, बहुत ही मज़े की हो गई थी, इसे मैंने गर्म कर लिया था अच्छे से। फातिया वगैरह सब दिलवा चुकी थी तो सारा काम हमारा लिपट चुका था, तो इसलिए फिर यहाँ पे रोज़े अफ्तार का टाइम भी हो रहा था, फिर फटाफट मैंने ये तैयारियाँ भी सारी कर ली थी, तो इस तरह से करते हुए सारा टाइम निकल गया। और मेरी जैशु यहाँ पे सो रही थी, और आज घर पे कोई है भी नहीं, बस मैं आज अकेली हूँ। ये रहा हमारे सारी तैयारियाँ हो चुकी है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे थोड़ा सा मैं हरा धनिया ऐड कर रही थी, और ये सारी तैयारियाँ हो चुकी है मेरी अफ्तारी की। अब चलती हूँ मैं दस्तरखान लगाने के लिए, ये लगा चुकी हूँ मैं। यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, मैं वज़ू भी बना कर आ चुकी हूँ, और यहाँ मेरी जैशा रानी सोकर उठ चुकी है, और उसे शरबत पीना था, और यहाँ पे खट्टी मीठी लग रही थी ना तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो बस थोड़ा थोड़ा सा मुँह पर लेती है जैसे वो चकरी हो पूरी एक्सप्रेशन के साथ मज़े के साथ वो थोड़ा थोड़ा सा ले रही थी। चलिए फिर इफ्तार करने के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। इन सब चीज़ों के ना बच्चों को ज़्यादा खुशी मिलती है घर पे अगर कुछ बनाओ तो। मम्मी बहुत टेस्टी है, ये तो कुकीज लग रही है। अम्मी आप ले, आप मुझे टिफिन में भी दे दोगे? हाँ मैं दे। अच्छी लगी ना? ये क्या है अम्मी, ये क्या है अम्मी? चिरौली बोलते हैं इसको। चिरौली? हाँ, कैसा नाम? बहुत फायदेमंद होता है बर्थडे को, मेरी जैशु को भी अच्छा लग रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो।
मैं हाँ खा लो चलो बोलो बाय बाय जय श्री बाय कर तू बाय कर तू बाय कर तू बाय कर तू बाय बाय देखो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय 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 फिर बोल दो बाय बाय नहीं बोलना इसको मस्ती से बज रही।